वेलकम टू देवजानी क्रिश्चन्स ट्यूटोरियल। आज मैं एक नया हार लेके आई हूँ, नया टाइप का। मैं हर टाइम नया कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। आज जो पाइप लिए हैं, ये है एक्वेरियम में लगाने के लिए पाइप। तो मेरे पास था, उससे मैंने आइडिया किए जो ऐसे बना सकते, तो वही आइडिया आप लोग को दिखाती हूँ। पहले माप करके लिए है, उसके बाद इसको आधा कर लिए हैं। आधा कर लिए इसलिए जो लॉकेट है इसमें, इसके अंदर घुसता नहीं। मैंने पाइप थोड़ा मोटा है, लॉकेट में जो छेद है ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए पाइप को आधा करना पड़ा। इसके ऊपर फेविक्रिल से मैं ये जो धागा लिए हैं एंकर का, जो भी धागा आपके पास है वो उससे कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर धागा को लगा देंगे। वो दिखाती हूँ कैसे लगाएंगे। शेडेड धागा है, मैरून और डार्क ब्राउन से ये धागा शेडेड मिला है, मेरे पास था। तब एक कलर के भी लगा सकते हैं, ये दो कलर का आधा आधा करके भी लगा सकते हैं। तो ये शेडेड है तो ये दो कलर आ ही जाएगा। ऐसे करके इसको पूरा पाइप में मैं लगा दूंगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए मेरा नया नया वीडियो पाने के लिए। पहले इसमें लगा के फिर इसको ऐसे करके एक साथ कर रही हूँ। इतना सा हो गया, देखिए शेडेड है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ब्राउन थोड़ा सा रेड ऐसा हो रहा है। और दो कलर में आप कर सकते कट कट के। फिर मेरे पास एक चाम्स था, चाम्स थोड़ा सा बड़ा होल था, तो मैंने सोचा इसमें चाम्स लगा के दिखा देते आप लोग को। ये जो चाम्स लगाए, ऐसे चाम्स लगा सकते हैं। फिर इसको ऐसे करके मेरा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन क्लास मैं करवाती हूँ। ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ पूछना है तो फोन करके मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कैसे मैं करती हूँ, कैसे मैं मटेरियल देके भी सिखाती हूँ। जिनके पास मटेरियल है वो सिर्फ सीखने का चार्ज देके सीख सकते हैं। जैसे दूसरा साइड में ऐसे बनाएं, ऐसे इस साइड में भी बना रही हूँ। देखिए मेरा मैंने जो चाम्स लगाए तो थोड़ा गलत हो गया, इसको खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा वो भी मैं दिखाती हूँ। इसका लेफ्ट राइट करके बनाना पड़ रहा है। देखिए मैंने कर दिया तो दो ही एक ही साइड में हो गया, तो इसको खोल के फिर ठीक करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को दिखाते दिखाते मैंने आइडिया कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी लेफ्ट राइट का भी ख्याल नहीं था। तो अभी मैं देख रही हूँ जो ये तो एक ही साइड हो गया, उल्टा हो रहा है इधर का चांस। तो खोल के फिर मैं दिखाती हूँ। जब ये दो एक साथ बनाएंगे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दो जब कट के बनाएंगे तो लेफ्ट राइट इसको देखना पड़ेगा। ऐसे करके ऐसे चांस लगेगा। बहुत सुंदर बनता है ये हार, पता नहीं चलता है कैसे बनाना बनाते हैं। जब भी आप बनाएंगे पहले एक बना के उसका ऑपोजिट देख के फिर दूसरा बनाना है, नहीं तो एक साइड हो जाएगा तो ये पूरा खोलना पड़ेगा। कोई कोई लॉकेट होल बड़ा है तो वो घुस जाता है, तो एक साथ ही कर सकते। जे लेकिन छोट मैंने दो
डिवाइड करके दिखा रही हूँ, कभी ज़्यादा लॉकेट इसमें घुसता नहीं है, पाइप थोड़ा मोटा है, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखा रही हूँ। देखिए अभी लेफ्ट राइट हुआ इसका ऑपोजिट, फिर माप करके फिर दूसरा चांस लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे आइडिया हैं जो आइडिया मैं देती हूँ स्टूडेंट, जो लोग सीखते हैं सामने बैठ के सीखते हैं, ऑनलाइन में सीखते हैं, बहुत सारे आइडिया देती हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, जो भी ज्वेलरी देखते हैं खुद बना सकते हैं। दो चांस लगाने के बाद एक स्टील बॉल लगा रही हूँ, नहीं तो जब हम ये लॉकेट लगाएंगे तो ये दिखेगा। फिनिशिंग सेल जब हम करते हैं तो फिनिशिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है बहुत। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जब कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको पास तुरंत मिल जाएगा। आपको इतना सा हो गया, यहाँ पे थोड़ा गाम लगा के वो बॉल लगा देंगे। सिर्फ मैं धागा को उसके पाइप के ऊपर लपेट रही हूँ। थोड़ा टाइट करके इसको करना है, बस इतना तक होगा। इसको काट के गम लगा के बॉल लगा देंगे। मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ जो आपको नया नया आइडिया दूँ, नया नया डिज़ाइन दूँ। अभी इसमें गम लगा के ये स्टील बॉल लगा देते हैं। देखिए अभी इसको जॉइंट करना है। और ये लॉकेट को यहाँ पे लगाना है। तो ये तार मिलता है ज्वेलरी दुकान में ही मिलता है, ये तार लंबा करके इसको इसको स्ट्रेट करके इसके अंदर पाइप के अंदर इसको घुसाना है। अच्छी तरह से इसको स्ट्रेट करना है। को निकल दिए, अभी इसमें लॉकेट को इसके अंदर डालेंगे। तब इसको पीछे से ये तार दिखेगा, इसलिए यहाँ पे दो बॉल लगाएंगे, छोटा छोटा दो बॉल लगाएंगे। फिनिशिंग ऐसा होना चाहिए जब कोई खरीदने आए तो ना दिखे कि ऐसा क्या बनाएं, कुछ ना कि तान ना दिखे। फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से करना है। ऐसे करने से बॉल नहीं जा रहा था अंदर, तो बॉल को पहले लॉकेट लगा लेते हैं, उसके बाद बॉल लगा देते हैं।
पाइप हो सकते हैं, तो पाइप होगा तो पाइप घुसा दीजिए, कुछ भी होगा तो पीछे से तार ना दिखे। एकदम मैं जो बना रही हूँ, कहीं से भी ये समझ में नहीं आएगा मैं कैसे किससे बनाए, धागा से या तार से बनाए पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कैसे लॉक लगाएंगे देखिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कभी मैं ये पहन के क्लास करवाऊंगी, शूटिंग करूंगी, तब अब पता चलेगा कैसे लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। साड़ी मैचिंग करके अब बना सकते हैं, दो कलर में, तीन कलर में। ये तार को लॉक के साथ यहाँ पे एकदम सील कर रही हूँ। एकदम सिल कर रही हूँ और एकदम काट के प्लास्टिक प्रेस कर दूंगी, जैसे उसका छुकेगा नहीं। तार का काम है, कहीं पे भी थोड़ा सा दिखेगा तो वो गले में चुक सकता है। और ये कैप लगा दिए हैं, पता नहीं चलेगा किसके ऊपर मैंने किए हैं। देखिए कितना सुंदर हार बन गया। और ये फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, एकदम कहीं पे भी ना चूके, एकदम प्लास से इसको मुंह बंद कर देंगे एकदम। बन गया, मैं दिखाती हूँ कैसे बना। देखिए ये हार बन गया, कितना मैं इतना एडिट भी नहीं की है, देखिए कितना जल्दी बन गया। तो फिर मैं एक डिज़ाइन लेके फिर आऊँगी।